घर हो या रेस्तरां, दफ्तर हो या फिर बगीचा हो, नन्ही सी मक्खी हर कहीं डटी रहती है। अंतरिक्ष यान तक में भी मक्खी की घुसपैठ रोकना मुश्किल होता है। सोयूज T-12 नामक यान में बैठकर मक्खियों के अंतरिक्ष में पहुंचने की खबर सुर्खियों में रही थी। वायुयान और जहाज में जबरन प्रवेश कर उसने अनेक देशों में अपना घर बना लिया। उसे किसी पासपोर्ट या टिकट की परवाह नहीं है। हमारी जिंदगी में भी मक्खी न चाहने पर भी शामिल है। बोलचाल में भी उसने जगह बना ली है। मक्खी चूस शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत कंजूस हो। मक्खी मारना निठल्लेपन का पर्याय है। नाक पर मक्खी बैठना परेशानी के बने रहने का सूचक है। लगभग आधा सेंटीमीटर लंबी सामान्य मक्खी इतनी हल्की होती है कि 1 किलो के लिए करीब 2 लाख मक्खियों को पकड़ना होगा। उसका दिमाग भी इतना हल्का होता है कि 1 औंस यानी करीब आधा छटाक मस्तिष्क के लिए 2.75 करोड़ से अधिक मक्खियों की जरूरत पड़ेगी। एक चिकित्सक के अनुसार मक्खी का मस्तिष्क बहुत कुछ मानव के समान ही होता है। उनका यह भी कहना है कि मक्खी को काफी कुछ याद रहता है पर 2-3 मिनट तक ही। विशेषज्ञों का मत है कि मक्खी 1 सेकंड में 200 से 330 बार अपने पंख हिला सकती है। साधारणतः मक्खी 1 घंटे में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह दिखने में भले ही नन्ही और पिद्दी सी हो पर हमारे लिए खतरनाक और नुकसानदेह है। उसके पैरों के चिपचिपे पदार्थ में विभिन्न बीमारियों के करीब 12.5 लाख कीटाणु सवार हो जाते हैं। ये खतरनाक जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं। साफ सुथरी जगहों की महक से उन्हें तकलीफ पहुंचती है, इसलिए वे स्वच्छ सुगंधित वातावरण से दूर भागती है। ऐसे माहौल में यदि 2 क्षण भी रुक गई तो मक्खी पर बेहोशी छा जाती है और याददाश्त कमजोर हो जाती है।